Je m'appelle Marie and I come from France. Ciao, mi chiamo Maria Laura, I'm from Italy. Hi, I'm Jordan, I am from America. Hello, I'm Julia and I'm from Italy. Hello, my name is Mariana Caldeira and I'm from Portugal. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट नुमान इब्राहिम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑक्सफोर्ड सिटी में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वेस्ट गेट, ये यहाँ का मशहूर शॉपिंग सेंटर है और ऑक्सफोर्ड पूरी दुनिया में सेंटर ऑफ आर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। आज हम आपको थोड़ा बताएंगे ऑक्सफोर्ड है क्या असल में। Hi, I'm Jordan. I am from America and I have been in Oxford for a good 3 months. I find Oxford very beautiful, very universal and versatile. There are many other cultures that are mixed in with here, and I find that even though I'm new here, I don't feel a sense of being alone. My favorite place in Oxford is definitely Westgate. I find that it has everything I'm looking for, from food to clothes to skincare, and I love it. अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 9 मिलियन टूरिस्ट आता है एक साल में, और अभी तो कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से इतने टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, लेकिन 9 मिलियन इट्स अ बिग नंबर। यहाँ पे एक ऑक्सफोर्ड विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे आपको सिटी टूर्स के बारे में बता सकते हैं, वहाँ पर आपको मैप्स के बारे में बताते हैं, करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक वाइब्रेंट सिटी है, यहाँ पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। मैं काफ़ी इटालियन से मिला हूँ, स्पैनिश, जर्मन, और सिटी बहुत ज़्यादा लाइव। चाओ, मी क्यामो जूलिया। हेलो, आई एम जूलिया एंड आई एम फ्रॉम इटली। आई हैव बीन इन ऑक्सफोर्ड सिंस 2019 नाउ एंड आई एम रियली लिटरली फॉल इन लव विद दिस प्लेस। आई कम फ्रॉम अ लिटल स्मॉल टाउन इन इटली, सो नाउ इट्स बीन लाइक इन अ बिग सिटी। आई कैन फाइंड एवरीथिंग आई नीड, आई कैन मीट एनी काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। I'm attending at a master at Oxford in Brookes University right now. I'm studying a master called International Tourist Management. And even though the pandemic is still ongoing on, I can say that I'm loving the way I'm studying it. I have plenty of help from the university itself. अगर हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का सबको पता है, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड ब्रूक यूनिवर्सिटी। अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो न्यू कॉलेज बहुत मशहूर है, बेलियल कॉलेज बहुत मशहूर है, क्राइस्ट चर्च कॉलेज बहुत मशहूर है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से यहाँ पर जमा होते हैं और हर तरह की स्टडीज़ यहाँ पर हो रही होती हैं। Hello, my name is Mariana Caldeira. I'm from Portugal and I live in Lisbon. I like Oxford because I like the nature and I can talk with different people, different cultures and meet new people. I like visit museums in there. इस सिटी की खास बात ये है कि यहाँ पे कैफेज, रेस्टोरेंट्स, टेक अवेज की भरमार लगी हुई है। एशियन फूड, इटालियन फूड, दुनिया का हर फूड यहाँ पे मिलता है। Je m'appelle Marie and I come from France. I like Oxford because it's a city with different nationalities and because it's a beautiful city with lots of attraction, and my favorite place in Oxford is Christ Church. अच्छा, यहाँ पे जान के मुझे बहुत हैरत हुई कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखने भी आते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज स्कूल है जहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है, इसके अलावा बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक है वहाँ से यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं इंग्लिश इम्प्रूव करने, इंग्लिश सीखने। Ciao, mi chiamo Maria Laura, I'm from Italy. I like Oxford because it's a cosmopolitan city. You can find a lot of people, you can meet every day new people. And even because it's full life for nice restaurants, pubs, and even they have really, really good English school. अच्छा, ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो बनाई थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने ही बनाई थी। अच्छा, अगर हम ऑक्सफोर्ड लोकल सर्विसेज की बात करें तो इसमें कम्युनिटी सेंटर्स आते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पुलिस हो गई, फायर एंड रेस्क्यू हो गए, और यहाँ पे जो जितनी स्पोर्ट्स हैं उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन और क्लब्स बने हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं।
अच्छा अभी हम जैसे स्ट्रीट में जा रहे हैं यहाँ पे भरमार है रेस्टोरेंट्स की, और यहाँ की एक अच्छी खास बात लगी आप देख रहे हैं ये, यहाँ पे साइकिल्स पर डिलीवरी होती है क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पे ज़्यादातर बसेस स्कूटीज और साइकिल्स ही आ सकती हैं। अच्छा इस टाउन की ऑक्सफोर्ड की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं और टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स का जो ज़रिए माश है यहाँ पे वो कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और मैंने देखा साइकिलिंग भी कर रहे होते हैं, तो इन अ डे तकरीबन 80 पाउंड एक स्टूडेंट बना लेता है, और अकोमोडेशन वाइज भी इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप लंदन से कंपेयर करें, कैम्ब्रिज से कंपेयर करें, तो इट्स अ वेरी लाइवली सिटी। और एक और अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब हंसी खुशी में रहते हैं, लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, साइकिलिंग करते दिखे, पार्क्स में रिलैक्स कर रहे हैं, तो इट्स वेरी नाइस प्लेस टू हैंग आउट एज वेल। अच्छा अगर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की यहाँ पे बात करें तो पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद है, उनके कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं। इसी तरह जो लोग दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियनिटी हो गया, ज्यूज़ हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, उनके अपने भी कम्युनिटी सेंटर भी हैं, तो यहाँ की काउंसिल काफ़ी ख्याल रखती है, हर कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलती है। बस अब आप एक और देखो। अच्छा अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो मैंने यहाँ पे देखा है जो लंदन में हसल एंड बसल होती है ट्रैफिक की, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लोग काफ़ी लेट बैक हैं, पीसफुल क्वाइट प्लेस है, और ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि साइकिलिंग करें यहाँ पे या बसेस से ट्रेवल करें, और बसेस से ट्रेवल करना भी बहुत कन्वीनियंट भी है और बहुत ज़्यादा चीप भी है। अच्छा अगर हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और फेसबुक पेजेस बने हुए हैं, तो अच्छा एक दूसरे को लेके चल रहे होते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं, और जिन लोगों का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता उससे एक छोटी टायर होती है, उसमें ब्रूक्स यूनिवर्सिटी आती है, तो जो लोग वहाँ नहीं जा पाते वो ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, जो कि सस्ती भी है और आसानी से उनका एडमिशन भी वहाँ पर हो जाता है। अच्छा सर्दी काफ़ी हो रही है और बर्फ़बारी भी हो रही थी, उम्मीद करता हूँ आज की ये काविश, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर इंशाल्लाह किसी और सिटी के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नुमान इब्राहिम साइनिंग ऑफ़।